लोग नेक्स्ट देखते हैं कि F इज इक्वल टू कैपिटल सी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, नीचे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो G क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, तो G को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाए, मेक G द सब्जेक्ट, तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू जो होगा, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो वन न्यूटन, न्यूटन ये डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है केजी है और ये क्या है केजी है, ठीक है। तो अगर हमें जी को डिफाइन करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाई वन, वन से मल्टीप्लाई करते हैं वन वन, तो ये जी को न्यूमेरिकली डिफाइन करने का एक प्रोसेस है। ये किसी भी अगर कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है जैसे रेजिस्टिविटी होता है, कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आगे पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसको डिफाइन करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज की आप एसआई यूनिट लिखिए, जैसे कि फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, मास की केजी, मास की केजी, और सभी को वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप अब इस जी को न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोलता है कि अगर 1 केजी के मासेस अगर यूनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन पे जो लगने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो होगी 1 न्यूटन। तो दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ जी इज डिफाइंड, ठीक है। जी इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस विच आर केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है फोर्स, देखिए इसको फर्दर अगर हम लोग एनालाइज करें तो क्या होगा, अगर हम लोग डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी कि पहले m1 मास यहाँ पर रखा और m2 मास यहाँ पर रखा, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है। अगर हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें, ये 2r का होगा, तो इसके और इसके बीच में फोर्स एक्ट करेगी, इसके भी बीच में फोर्स एक्ट करेगी एफ डैश एंड एफ डैश, फोर्स में कुछ चेंज आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस में चेंज आ गया, तो कितना चेंज आएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो थी एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे फोर्स क्या हो गई एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू बाई टू आर स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब टू आर का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर, दिस विल बी फोर आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर क्या है, ये वाला फोर्स है, तो एफ डैश इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटू एफ, यानी कि वन फोर्थ हो जाएगा, तो ओरिजिनल फोर्स का वन फोर्थ हो जाएगा जब हम लोग इसके बीच के डिस्टेंस को टू आर कर देंगे, यानी डबल कर देंगे, यानी डिस्टेंस व्हेन वी डबल द डिस्टेंस द फोर्स बिकम्स वन फोर्थ, एंड इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, अगर दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगी वो फोर टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, जो फोर्स होगी वो फोर टाइम्स हो जाएगी। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल टेकअप करेंगे जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 केजी लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये अर्थ है जिसका मास ये गिवन है और इस पे एक बॉल रखी हुई है जिसका मास 1 केजी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एफ फोर्स से, ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको गिवन है
व्हाट इज द डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। और ये तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे f इज इक्वल टू कैपिटल g m1 m2 by r स्क्वायर, ठीक है। तो g की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 6.67, तो यहां पे 6.7 गिवन है, 6.7 into 10 to the power 11, ठीक है, into m1 mass is 1 kg और इसका मास है 6 into 10 to the power 24 divided by r square radius of the earth 6.4 into 10 to the power 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे किलोमीटर में गिवन है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर, तो इसको क्या कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे 10 टू द पावर 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 9.8 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।